सक्सेसफुल इन योर करियर। मेरा पर्सनल ओपिनियन डिफरेंट है इसके। मैं कहता हूं कि आपकी जो जीपीए है वो आपकी ओबीडियंस को, आपकी मेमोराइजेशन की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। इट सर्टेनली डज नॉट रिप्रेजेंट योर टैलेंट। Represent your skill. Being shy in your class, being weak in one subject, and failing in a subject does not mean that you would fail your life. It does not mean that you will not be successful in your career if you can buy other parameters like your skill set and having the right attitude. And being bright in your class is absolutely good. But it does not mean, it does not guarantee that you will be successful if you cannot buy other parameters like skill set. All great things start with a curiosity. 9 years back, and curiosity is the source and the mother of all innovation and invention. 9 years back, I was using Orkut. At that time, Orkut was a very famous social networking website. मेरे एक स्क्रैप बुक में एक लिंक आता है जिसमें बताया जाता है कि यू हैव टू क्लिक ऑन इट एंड यू हैव टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर ताकि आपके स्क्रैप बुक में आपके स्क्रैप नंबर्स बने। दिस इज इक्विवेलेंट टू टुडेस फेसबुक के, आपके फेसबुक के पेज पेज के लाइक बने ताकि यू एंड यू वुड बी कंसीडर्ड एज मोर इन्फ्लुएंशियल इन योर सर्कल सो ऑन सो फोर्थ। तो आई वेंट अहेड एंड आई क्लिक्ड ऑन दैट सॉफ्टवेयर, आई इंस्टॉल्ड दैट सॉफ्टवेयर इनटू माय कंप्यूटर एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट सॉफ्टवेयर वियर थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन टू माय कंप्यूटर एंड इवेंचुअली मेरा ऑर्कट अकाउंट हैक हो गया। वियर थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन टू माय कंप्यूटर डेस्कटॉप और वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर्स में स्टार्टेड चेंजिंग एंड आई इवेंचुअली रियलाइज दैट समथिंग बैड इज हैपनिंग टू मी। आई इंस्टॉल्ड एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड आई केम टू नो दैट आई हैव बीन इन्फेक्टेड बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैलवेयर वायरस दैट इज नोन एज ट्रोजन हॉर्स। और मैंने चार रातें बैठ के ये एनालाइज करने की कोशिश की कि ये जो मेरा सिस्टम हैक हुआ है कहां से हैक हुआ है। एंड आई इवेंचुअली केम टू नो दैट इट वाज हैक्ड फ्रॉम रशिया। एंड आई वाज उसी क्यूरियोसिटी भी कि हाउ कैन समवन सिटिंग इन अनदर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड इज एबल टू कंट्रोल योर कंप्यूटर। बट देन आई रियलाइज दैट दिस इज हाउ द इंटरनेट वाज क्रिएटेड। द इंटरनेट वाज क्रिएटेड टू कनेक्ट पीपल एंड दिस मींस दैट मलिशियस पीपल कैन कनेक्ट टू योर कंप्यूटर। एंड दैट वाज द क्यूरियोसिटी दैट मेड मी start my website roughhackingarticles.net. Phir I authored a book on the subject of ethical hacking. In 2012 I hacked into PayPal as a part of their bug bounty program. They rewarded me $10,000 as a this is the highest bug bounty along with a job offer as well. And this is public. This news is public. This was published in BBC and other international newspapers. और जब वो जॉब ऑफर आई थी तो उसमें जीपे का तस्करा नहीं था। There was no GPA. Never let anyone tell you कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं है तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, बिकॉज सक्सेस के ये पैरामीटर्स नहीं होते और सक्सेस आपको खुद डिफाइन करना है। यू हैव टू डिफाइन व्हाट सक्सेस इज फॉर यू। किसी के लिए सक्सेस हो सकता है गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि गेटिंग मोर इन्फ्लुएंशियल योर सर्कल बीइंग मोर पॉपुलर, किसी के लिए सक्सेस हो सकता है मेकिंग मनी, किसी के लिए सक्सेस हो सकता है बीइंग अ बिलियनेयर। द थिंग इज के बीइंग बिलियनेयर इज नॉट ओनली इनफ, बिकॉज अगर आप दुनिया की तारीख देखें तो हिस्ट्री डज नॉट रिमेंबर बिलियनेयर्स। History has never remembered a person for his wealth, his or her wealth. History remembers philosophers like Aristotle, like Plato. History remembers innovators like Jabir bin Hayyan. And history remembers people that have done something for their nation, that have sacrificed for their nation. So, what's the point? The point is that you have to define what success is for you. आपने खुद अपने लिए define करना है कि आपके लिए success क्या है। आपका जो भी passion है, जिस चीज़ में passion है, मैं जब ethical hacking में आया तो when I decided to opt into this field, I started receiving negative feedback and criticism from my circle. I would like not like to name anyone. From my circle, I started receiving criticism. और कहा गया कि यू हैव ऑप्टेड फॉर अ फील्ड जिसका कोई फ्यूचर नहीं।
But I try to follow my passion. You have to take challenges as an opportunity to grow. And never ever be afraid for failure, because failure is that doorstep towards success. So, aap sirf apne aap ko na dekhen. Don't study just only to get a good job. Study to create something, to innovate something. Thank you very much. That was really great. Thank you, Mr. Rafi Baloch.